जी वो कहते हैं ना, वक्त खराब हो तो घड़ी भी साथ नहीं देती। ऐसा ही कुछ शरद पवार जी के साथ होता हुआ दिख रहा है। देखिए, घड़ी का वो सिंबल छूट गया है। एनसीबी की अंदरूनी लड़ाई थमने से नाम नहीं ले रही है। कल अजीत भुट का चुनाव आयोग ने असली एनसीपी माना था और उन्हें चुनाव चिन्ह दे दिया था। इसके बाद आज अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल कर दी है। शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट में ईसी के ऑर्डर को चैलेंज करने वाला है। इससे पहले अजीत गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल की है। कैविएट का मतलब क्या है कि अगर आप शरद पवार जी को सुनने वाले हैं तो हमें सुने बिना उन्हें कोई फैसला ना दे, हमें सुने बिना उन्हें कुछ भी रिलीफ ना दे। तो सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले पर पहुंचने से पहले उसकी बात सुनेगा। ये कैविएट अजीत पवार गुट ने डाल दिया। यानी कि देखिए, यहाँ ईसीआई से उनको बहुत बड़ी जीत मिली चुनाव चिन्ह की, तो वहाँ उन्होंने काउंटर मुद्दा लगा दिया कि आप दूसरा पक्ष शरद पवार पक्ष इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट जाए, हम जा देते हैं, एक कैविएट याचिका दाखिल कर देते हैं कि देखिए अगर वो आपके दरवाजे खटखटाते हैं तो भाई हमारी भी सुन ले सरकार। इधर मुंबई में एनसीपी दफ्तर के बाहर शरद पवार गुट के लोगों ने प्रदर्शन किया है। अजीत पवार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। चुनाव आयोग के फैसले के बाद एनसीपी दफ्तर पर अजीत गुट का दावा भी अब ठुकने लगा है। वो दावा कर रहा है कि देखिए, जो बड़ा मेन ऑफिस है वो तो मेरा हुआ, खाली करिए जगह, ये जगह अब आपकी नहीं रही, चुनाव चिन्ह मेरा है तो पार्टी ऑफिस और कार्यालय भी मेरा हुआ। इलेक्शन कमिश्नर ने शरद पवार गुट को बड़ा झटका दिया है और इलेक्शन कमिश्नर ने साफ तौर पर जो ऑर्डर दिया है उसमें अब एनसीपी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह जो घड़ी है वो अजीत पवार को दे दिया है। और इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक असली एनसीपी अजीत पवार गुट की है, जिसके बाद शरद पवार गुट पर जो बिलासपुर का दफ्तर है वहां पर ये शरद पवार गुट के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पोस्टर लेके खड़े हैं यहाँ पर और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर है वो गलत तरीके से दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे जो शरद पवार गुट का जो दफ्तर है एनसीपी का मुंबई के बलार स्टेट में, वहाँ पर हर एक तरीके के पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं और साफ तौर पर लिखा हुआ है थकना नहीं झुकना नहीं, यानी कि शरद पवार के बारे में लिखा हुआ कि वो थकेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। पूरे इलाके में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसी तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो शरद पवार के फेवर में लगे हुए हैं। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। गजर ने किया है इशारा, घड़ी भर का है खेल सारा, पर अब तो अजीत पवार कह रहे हैं घड़ी भी हमारी ऑफिस भी हमारा। हाँ बिल्कुल सही कहा आनंद, आपने देखिए शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है और इसी वजह से जो कार्यकर्ता है जो यहाँ पे मौजूद है वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको पोस्टर दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये शरद पवार गुट के जो मेन ऑफिस है मुंबई के बलार पियर में, जो एनसीपी का ऑफिस है शरद पवार गुट का, वहाँ पे ये इस तरीके के पोस्टर जो है वो पूरे इलाके में लगाए गए हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो विरोध यहाँ पर कर रहे हैं और साफ तौर पर कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर ने जो ऑर्डर दिए हैं वो उनके फेवर में नहीं है। अब क्लाइड हमारे साथ है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्लाइड क्यों ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। देखिए, ये कार्यकर्ता है जो आदरणीय शरद पवार साहब के साथ निष्ठावंत है। आप आज देखिए अजीत पवार जिन्होंने ये पार्टी का चिन्ह और चुनाव ये जो हमसे छीन लिया, गद्दारी करके लिया। लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के खिलाफ काम कर रही है ना। अभी आप मुझसे इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें, इलेक्शन कमीशन किसके लिए काम करे ये सिद्ध हो रहा है। अभी आप सुन लीजिए मेरी बात। जबकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है कि दर लेजिस्लेटिव पार्टी कैनॉट बी कंसिडर्ड अबाउट द पोलिटिकल पार्टी, तो पोलिटिकल पार्टी के जितने भी जो नंबर्स है वो हमारे साथ है। आज 28 राज्यों में, भारतवर्ष में, इंडिया में 28 राज्यों में हमारी पार्टी कार्यरत है। उसमें से 25 राज्यों में से उनके हमारे अध्यक्ष जो है पार्टी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय शरद पवार साहब के अंडर जो काम करे, उन्होंने हमें दस्तावेज स्वरूप किया है और हमें सपोर्ट दिया। तो क्या ये कोर्ट जाएंगे? जल्दी से पूछिए, क्या ये कोर्ट जाएंगे? क्योंकि अजीत पवार गुट कोर्ट में जाकर कैविट दाखिल कर चुका है और हमारा पार्टी छीनकर अजीत पवार को देते, तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा तो आएगा। ये कार्यकर्ता जो गुस्सा है वो पेश कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अजीत पवार गुट पहले से सुप्रीम कोर्ट में कैविट फाइल कर चुका है, क्या आप लोग इलेक्शन कमीशन के जो ऑर्डर उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में तो हम जाने वाले ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था
कि ये जो लेजिस्लेटिव पार्टी कैन नॉट बी कंसिडर्ड अबाउ द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर जो आप देखते हैं तो फिर हमें जाना ही सुप्रीम कोर्ट। तो क्या पर क्या संख्या भारी है, क्या संख्या भारी है शरद पवार गुट की वहां पर, देखिए कैसे लगाया रखा है, पोस्टर ही लगा दिए जहां लेकर कि घड़ी तुम्हारी है लेकिन बाप हमारा है, ये इस तरह के अगर पोस्टर लग जाते हैं तो क्या वहां पर शरद पवार गुट ऑलरेडी घुटने टेक चुका है और घड़ी दे चुका है? अगर घड़ी सिंबल चला गया, चुनाव चिन्ह चला गया अजीत पवार के पास, तो कितनी बड़ी बात है ये समझने के लिए आवश्यक है, क्योंकि वहां पर चुनाव चिन्ह को देखकर मोहर लगती है, घड़ी पर मोहर लगाओ ये कहा जाता है। वहीं महाअघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे गुट भी चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा चुका है। संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है। शिवसेना का चला गया, एनसीपी का चला, देखिए ये कोई न्याय की बात नहीं है, ये कोई कानून की बात नहीं है, ये भारतीय चुनाव आयोग अब भारतीय चुनाव आयोग नहीं है, ये मोदी शाह चुनाव आयोग बन गया। हाँ, भारतीय निकाल दो, अभी हो भारत का नाम निकाल दीजिए। जिस पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट